अगली खबर है महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के अंतर्गत आने वाले बिलोली तहसील की, जहां पुलिस ने एक ऐसे पाखंडी बाबा को गिरफ्तार किया है जो खुद पर देवी की सवारी आने की बात कहकर लोगों को उनकी समस्याओं से छुटकारा दिलाने का दावा किया करता था। कथित नटवरलाल का नाम तौफीक बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी तौफीक ने गांव की भोली भाली जनता को अपने झांसे में लेते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि उसके भीतर भगवान आते हैं और उनकी मदद से वो असाध्य से असाध्य बीमारियों का इलाज करता है। यही नहीं, पुलिस का यह भी कहना है कि तौफीक बीमारियों को ठीक करने के नाम पर ग्रामीणों से 100 से लेकर 500 रुपए ऐंठ लिया करता था और उस पर लोगों को संदेह ना हो इसलिए कसराली के दस्तगीर दरगाह पर यह नटवरलाल लोगों को बुलाता था और वहां पर तंत्र मंत्र मुठकरनी और काला जादू जैसे अंधविश्वासी कार्यों को अंजाम देता था। कथित पाखंडी बाबा के करतूतों की पोल उस समय खुली जब गांव के ही एक व्यक्ति ने पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। दरअसल शिकायतकर्ता ने बिलोली पुलिस थाने में की गई अपने शिकायत में इस बात का जिक्र किया कि कथित पाखंडी बाबा ने गांव में रहने वाली एक महिला पर बुरी आत्मा का साया होने का दावा किया, जिसके बाद से उस महिला के बेटे और घरवाले उस महिला को परेशान करने लगे, लेकिन महिला के दूसरे बेटे ने यह सब कुछ नहीं देखा, उसे देखा नहीं गया, इसलिए उसने बाबा की शिकायत पुलिस से कर दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने ढोंगी बाबा के खिलाफ जादू टोना अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एक बड़ा तथ्य सबूत के तौर पर पुलिस के हाथ तब लगा जब खुद शिकायतकर्ता ने कथित नटवरलाल पाखंडी बाबा का एक स्टिंग वीडियो बना लिया, जिसमें बाबा का नटवरलाली अवतार और उसकी काली करतूतें रिकॉर्ड हो गई। शिकायतकर्ता ने इस वीडियो को सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हमारे पुलिस स्टेशन अंतर्गत कसराली गांव आता है, वहां से हमें एक कंप्लेंट प्राप्त हुई। उसके मुताबिक वहां एक दरगाह है, वहां पे एक पाखंडी बाबा तौफीक नाम का, मेरे अंदर भगवान है मैं इलाज बता सकता हूँ ऐसा लोगों को बोल के, लोगों से उनको कुछ भी गुमराह करके उनसे 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक पैसे लेता था। तो हमारा जो तकरारदार है उसके माँ के बारे में उसने ऐसे ही उसके भाई बंधुओं में गलत फहमी पैदा कर दी थी कि इनकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, इन्होंने कुछ तो भी काला जादू इस तरह से कुछ तो भी किया है ऐसा बता के, वो तो गलत फहमी होने की वजह से वो कंप्लेनेंट के माँ की तरफ समाज के लोग भाई बहन सब अलग नज़र से देखने लगे थे और उसको रहना मुश्किल हो गया। एक कंप्लेंट के ऊपर से हमने हमारे ऑफिसर अनिश के कार्यकर्ता इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करके उसके खिलाफ पुरावा जमा किया और ये जो पाखंडी बाबा है तौफीक इसके खिलाफ पुलिस थाना बिलोली में